यो टूटी जाने प्रेम बाचा संसार को मित्रता तर कुसको प्रेमलाई कुसको प्रेमलाई भुल्दिन म त अन्तिम सास सम्हाल्ने सिक्ने कोशिश किया। और फिर किचन में काम करते करते वहां पे कुक था जो गुजराती कुक था, उसको मैं बोला कि भाई आप जो भी मेरे से बात करो अपने लैंग्वेज में बोलो, गुजराती इधर का लोकल लैंग्वेज में उसमें आप बात करो। ऐसे करते करते उनसे मैं गुजराती सीखा, फिर हिंदी, और उसके एकदम पूरा मेरा माइंड सेट गुजराती और हिंदी में हो गया। इसलिए फिर नेपाली में थोड़ा भूल गया, जाना भी नहीं हुआ इसलिए इतना नहीं कर। और शादी भी मेरा इधर ही हो गया इंडियन लड़की से, फिर बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, इधर का लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ, अपने लोग हैं नेपाल के, अपने देश के लोग हैं, लेकिन उनके साथ मैं एक बाहर का हिंदी में बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। वैसे परमेश्वर ने वहां से मेरे को उठाया किचन से, फिर बाहर मार्केटिंग में गया, मार्केटिंग में जाके जैसे कि बात करना, बार्गिंग करना, ऐसा सब करके, उसके बाद फिर मेरे को ऑफिस में, उसके बाद फिर ऐसे करते करते इधर दूसरा ब्रांच में, वहाँ पे ऑफिस में, अभी मैं ऑफिस में काम करते जाते हैं और वहाँ पे हम प्रार्थना चलाते हैं। वहाँ पे भी नेपाली में नहीं होते, वहाँ पे भी हिंदी में होते, इसलिए मैं नेपाली में बोलता हूँ लेकिन बहुत कम। परमेश्वर का धन्यवाद, फिर से आप लोग को देखकर बहुत खुशी हुई है, और परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और आप लोगों से कुछ परमेश्वर का वचन और अपने जीवन का एक स्टोरी कहूं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे संभाला है, सहायता किया है उसके अनुग्रह से। और मैं आने के बाद फिर मेरे सिस्टर्स और फिर मेरे रिलेटिव्स इधर आ गए, इधर सेटल हो गया, वो लोग अच्छी तरह से अपने पढ़ाई किया और अभी अपना जॉब कर रहे हैं, अच्छा मिनिस्ट्री कर रहे हैं। बहुत मुश्किल था लेकिन परमेश्वर हमें सहायता करता है। हमारे जीवन में जब भी मुश्किलें आती हैं तो हमें यही सोचना है कि परमेश्वर हमारे लिए आगे बहुत अच्छा करने वाला है, वो भलाई बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। आमेन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उसके अनुग्रह से आज हम थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, उसको आप पढ़ना बाद में, लेकिन मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। वचन संहिता 139, साम्स चैप्टर 139, 1-5 तक आप पढ़ सकते हैं, नेपाली में पढ़ सकते हैं। तो हे परम प्रभु, तपाईले मेरो पारख गर्नु भएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईले मेरा बसाई र मेरो उठाई जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ, तपाईले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परम प्रभु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली म माथि राख्नु भएको छ। आमेन। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। ये आप लोग बाद में पढ़ना, बहुत अच्छा वचन है जो दाऊद राजा ने लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं इसे बहुत प्रेरित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया जब मैं अकेला था, तो बहुत सारे चीजों को हम करते थे, मतलब रॉन्ग थिंग नहीं था लेकिन तो भी बहुत चीजों के करता था, कौन देखता है क्या देखता है ऐसा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। मैं खास करके यूथ लोगों को इंकरेज करना चाहता हूँ, आप लोगों को, आप लोग, क्योंकि परमेश्वर हमारी सब कुछ जानता है, वो हमारे रचने वाला है, तो वो हमारे जीवन का सब कुछ, हम जो कुछ भी करते हैं लाइफ में परमेश्वर हमें जानता है, चाहे हम सफल करते हैं चाहे हम सफलता पाते हैं, हर चीज में परमेश्वर हमारे अनुग्रह करता है, हमारी सहायता मदद करता है, क्योंकि उसने हमें रचा है। हमारा उठना बैठना हर चीज वो परमेश्वर हमारे जानता है। एक्चुअली मैं ये वचन को इसलिए ज्यादा तो देता हूँ कि मैं यहाँ पर नेपाली विश्वासी लोग हैं और वहां पर मैं कभी भी जाता हूँ, मैं जैसे जाता हूँ तो वो लोग कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, मतलब माहौल ऐसा है वहाँ पे, वो लोग देख रहे होते हैं और मोबाइल में या तो फिर वो कर रहे होते, मैं जाता हूँ वहाँ पे तो वो लोग छिपा लेते हैं कि भाई शिलास भैया आया है,
वो लोग छिपा लेते, डरते हैं मेरे से कि भाई वो परमेश्वर के दास है तो उनके सामने नहीं करना चाहिए, मतलब वो छिपाने को करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि उससे पहले मैं नहीं होता हूँ, तो भी वो यूज करते हैं, तो उनको पता नहीं कि वो परमेश्वर उनको जानता है, क्योंकि परमेश्वर रचने वाला है। यूहन्ना उसका 1:12 में लिखा है कि जितनों ने ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान है। तो हम अब क्या है कि हम परमेश्वर के संतान है, उसके चुने हुए हैं। तो परमेश्वर हमारे हर चीज को जानता है, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, परेशानी तकलीफ आते हैं, वो भी परमेश्वर हम जानता है, ताकि हम एक अच्छा एग्जाम्पल बन सके। इसलिए दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। वो हमारे विचारों को भी परमेश्वर जानता है। इसलिए इन दिनों में बहुत यूथ मेरे आजू बाजू में रहते हैं, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं कि परमेश्वर के चर्च में आते हैं, 2 घंटा का सर्विस होता है, उसके बाद मोबाइल में हर चीज में इतना सीरियसली नहीं ले रहे, बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन, हमको पूरी तरह से उनकी आज्ञाओं को मानना है। यदि हम हमारे सोसाइटी में, हमारे कलीसिया में हम उन्नति चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर के वचन में और हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम जहाँ के भी होते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। जो कुछ भी काम हमें मिलता है हमारे कलीसिया में, या तो कहीं भी हम जो कुछ भी काम हमको मिलता है, हम विश्वास योग्यता के साथ करना चाहिए, ताकि परमेश्वर जानता है हम जो कुछ भी करते हैं, वो जानता है। हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, मैं देने वाला है। जैसे कि यहोशू का जीवन में आप देखते हो कितना सारा संकट उसने सहा है, उसने उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको उसके सपनों का उसने मजा, उनके भाइयों ने मजा उड़ाया, उसको बेच दिया गया, लेकिन वो सहता रहा। लेकिन लास्ट में देखिए उसका परमेश्वर ने किस तरह से उसको उठाया है। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसने अपने लहू से हमें छुड़ाया है। हम अंधकार में पड़े थे, हम पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने कोई पैसा देके हमको नहीं खरीदा, अपने लहू बहाकर हमें खरीदा है, लहू बहाकर हमें वो किया है। तो इसलिए हमको हमेशा परमेश्वर के वचन में और उसकी आराधना, जैसे कि भाई ने इतना अच्छा आराधना किया, वंडरफुल वर्शिप, बहुत अच्छा आराधना किया, ऐसे हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन में हमको बढ़ना है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हम ऐसा सोच के करना है कि हम परमेश्वर के लिए करते हैं। छोटे से छोटे काम को भी हम विश्वास योग्यता के साथ हमको परमेश्वर के वचन को अंदर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, उसने हमें एक जीवन दिया है, ये सोचकर हमको परमेश्वर के वचन में, उसके सेवकाय में हमको बढ़ना है। कैसे, जैसे कि यहोशू ने उस सारी बातों, संसारिक बातों को छोड़ दिया, उसके बाद उसने कितने के जीवन को उसने बचाया, अकाल आने वाली थी उसमें से उसने बचाया। हो सकता है कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर बहुत बड़ी, हमारे सोसाइटीज के लिए, हमारे कलेशिया के लिए बहुत बड़ी हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य कर सकता है। इसलिए हमेशा हमको परमेश्वर के वचन में बने रहना, हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए कि ये आकाश और इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ने हमें रचा है। हमारे अंदर एक घमंड होना चाहिए, हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ने, इतना बड़ा महान परमेश्वर ने हमें बनाया है। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्मी हाथों से तुझे संभालूंगा। मेरे भाई और बहनों, बहुत डिफिकल्ट समय है, इस समय बहुत बुरा दिन चल रहा है, जरा कठिन समय सा यो, तरह हम ही परमेश्वर को वचन में दिन प्रतिदिन पढ़ें। इस समय हमें परमेश्वर के वचन में हम दृढ़ रहेंगे तो हम भले ही शायद हम सब लोग प्रचार करने के लिए नहीं जाते होंगे, प्रचार मत करने के लिए नहीं करते होंगे, लेकिन तो भी जगह पे भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम जॉब करते हैं,
वहां पर हमारा एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर के हम बच्चे हैं, उसने हमें रचा है, हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाते हैं। तो यदि हम कुछ हमारे जीवन से कुछ गलती हो, जरूरी नहीं कि हम पूरा संपूर्ण हम पवित्रता में चल सकते हैं। बहुत सारे हम संसार में रहते हैं, हमारे से बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जाने अनजाने में हम करते हैं, परमेश्वर माफ करता है। डेविड दाऊद राजा ने में उसे भी गलती हुई, लेकिन दाऊद राजा परमेश्वर के सामने आके गिड़गिड़ा के रोता था कि परमेश्वर मुझे माफ कर, तेरे सिवाय कोई नहीं है, तू ही रचने वाला है, तू ही सब कुछ करने वाला है। इसलिए हमेशा हमको परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ते रहना है, परमेश्वर के सेवा में हमें बढ़ते के युद्ध बाजू में जब मैं आता जाता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, नेपाली के बच्चे हैं, यहाँ पे रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे तम्बाकू खाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेवन करते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि उनके बीच में जाकर हम उनके लिए हम एग्जाम्पल बने, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करें, उनके लिए हम उनको हम परमेश्वर के वचन को सिखा सके। उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें, हम जाके जो कुछ भी काम करते हैं वहां पर जाकर हमको क्या करना चाहिए कि हमारा स्वभाव देखकर लोग बोलना चाहिए कि सच्चा यह परमेश्वर का दास है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनो को जब आग में डाल दिया गया तो राजा ने देखा, वो चौंक गया, एकदम चौंक गया, क्या देख रहा हूं मैं। तो राजा बोलने लगा, है शद्रक अबेदनो को परमेश्वर वो महान है। उसके बाद राजा बोलता है कि उनके परमेश्वर की कोई बुराई नहीं करेगा। भले ही हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, हम बहुत कंटिन्यू प्रेयर करते हैं लेकिन वो नहीं होता है, लेकिन मेरे भाई और बहनों कभी भी निराश और हताश नहीं, हमारा परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। जेम्स चैप्टर 1:4 में लिखा है कि छोटे छोटे प्रकार के तकलीफों में या नाना नाना प्रकार के परेशानियों में तुम डर नहीं जाओ, भयभीत ना हो, ये समझो कि तुम्हारा विश्वास को परखा जा रहा है ताकि तुम पूरी तरह से सिद्ध हो जाओ। इसलिए हमारे जवानी के समय में हम जब अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, हम भाग के हमारे अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे टैलेंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे 700 टैलेंट्स हमारे अंदर है, परमेश्वर दिया हुआ है, तो हम उसको उपयोग करें, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमको उपयोग करें। हम गिटार बजा के हो सकता है आराधना करें, हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, कभी भी अपने टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को रचा है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें हमें जीवन दिया है ताकि हम एक उपयोगकारी यूजफुल हो, परमेश्वर के राज्य के लिए हम एक यूजफुल हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें हमारे बनाया हुआ, इसलिए हमारे टैलेंट्स जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सोचते होंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है इसलिए मैं मेरे को अच्छा जॉब मिला है, मैंने बहुत मेहनत किया है इसलिए मुझे मतलब ये सक्सेसफुल मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जॉन चैप्टर 15 उसका में लिखा हुआ है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हमेशा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में, बहुत कठिन समय है, बहुत तकलीफ भरा समय है, बहुत सारे चीजें हमें घेरते रहता हर चीज, हम थोड़ी देर फेसबुक बिना नहीं रह सकते हैं, थोड़ी देर हमें यूट्यूब में वीडियो देखे बिना नहीं रह सकते, हमारा मेंटेलिटी पूरा सा चेंज हो चुका है, हम वचन पढ़ने के लिए 1-2 घंटा में हम लोग बोर हो जाते हैं, कितना पढ़ेंगे क्या, तो जो संसार की बातों से हम पूरा घेर चुके। इसलिए हमको क्या करना है, वचन को ज्यादा मात्रा में दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को उसके स्मरण करना है कि वो हमें जांचता है, वो हमें दिखता है, जहां के भी है हम, वो परमेश्वर हमें नजर रखता है, चाहे हम अंधकार के
तराई में चल भी रहे हो तो भी हमें सहायता और मदद करता है। कभी कभी क्या अपनी हमारी अभिलाषा, हमारी जो अभिलाषा से हम लोग क्या हो जाते हैं कि फंस जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। क्यों ना हम अच्छा करके परमेश्वर की सेवा करते हुए हम हमको तकलीफ होगा तो भी परमेश्वर जानता है वो हमें बहुत आशीष देने वाला। इसलिए मैं आज रात को आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ कि मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर में बने रहे। उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, वो सब कुछ हमारे जीवन को जानता है। हमें क्या जरूरत है वो जानता है, हमारी क्या आवश्यकता है वो जानता है। इसलिए हमेशा हम प्रभु के हर चीज, बाइबल में आप नीति वचन में प्रोवर्ब्स में पढ़ोगे तो हर चीज का सॉल्यूशन बाइबल में। हम यूट्यूब में ढूंढना जाते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, गूगल पे ढूंढने जाते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इन सब कुछ है बाइबल में है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इसलिए साहब उसका 43 में लिखता है, 41:10 में लिखता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं अपने धर्मी हाथों से तुझे संभाले रखूं। वो महान परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं अपने धर्मी हाथों से तुझे संभाले रखूं। और यहाँ पे दाऊद कहता है, हे मेरे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। हमें, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर हमारे नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने आए, उसके सामने पुकारे। और दाऊद हमेशा, जब साउल को दाऊद ने था उसके सामने था, वो मार सकता था। डिफरेंस यही था कि साउल दाऊद को मारने के लिए बहुत कोशिश करता था, उसको मिलता नहीं था, इसलिए दाऊद ने वो मार नहीं सकता था। दाऊद को मिला था साउल, लेकिन दाऊद ने उसको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो जानता था कि वो साउल को परमेश्वर अवश्य किया हुआ था पहले। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस समय इस दौर में हैं कि हम परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नजदीक आए। परमेश्वर हमारे जीवन का हर चीज जानता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बहुत लंबा ये पैराग्राफ है, आप पढ़ोगे तो कि मैं कहाँ जाऊं, अधोलोक में जाऊं तो वहां पे तू है, आसमान पे जाऊं तो वहां तू है, हर जगह तू है, मैं कहाँ जाऊं, तेरे से छिपने का कोई जगह है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमें हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। क्यों ना हम उसके पास आए, दिन प्रतिदिन उसकी सेवा में, उसके वचन में हम दृढ़ बने रहे। जैसे कि भजन संहिता इसका उसका 3 में ऐसा लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते जो भूसी के समान उड़ाए जाते हैं। जब हम नेपाल में धान काटे सुपाले उगरसम नहीं, तेसमा भित्र बीजा, मतलब तेसको भित्र दाना ना भेब जी ते हवाले उड़ाई दिन छ, तेला हमें क्या करसम, एउटा ठाउँमा एक कटा गरेर तेला आगो लगाई दिन छ। यदि धान को भित्र चावल भयो भने त्यो तल तल मतलब सुपाको तल खस्छ, तेला हमें बोटेर आफ्नो बगारीमा राख्छौँ, आफ्नो घरमा राख्छौँ। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसे के समान उड़ाए जाते हैं। हमारे जीवन में यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर को वचन हमारे भीतर छैना बने, उस भूसी को समान हो, शैतान ने हमला यता बाटा यता यता बाटा यता कर दिया, हमारा माइंड डाइवर्ट कर दिया, चर्च के न जान सो अन्य संगति, अरे आज तो नेटवर्क ही नहीं है, ये नहीं है, उन्हें धीरे हमारा मेंटेलिटी पूरा परमेश्वर को वचन हमारे भीतर भवन हमेशा पवित्र आत्मा ने हमें एहसास कराऊंगी। इसलिए हम हमेशा हम परमेश्वर का वचन हमारे आप लोग को पता होगा, क्वेश्चंस पूछता हूँ, कई हमारा ऐसा सिचुएशन आता है, मेरे को भी आता है, ऑफिस में है या फिर मैं बाहर बहुत मार्केटिंग में जाता हूँ, बहुत सारे होता है, तो हमको कई ऐसा झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, है ना, लेकिन हम परमेश्वर के
अनुग्रह किए हुए है हम परमेश्वर, तो कुछ भी हम बोलते हैं तो हमको पहला एक एहसास होता है कि हाँ हमारा, हम परमेश्वर के वचन को जानते तो हम नहीं बोलेंगे ना, मतलब सोचते हैं शायद हमको थोड़ा बोलना पड़ता है, कुछ मुश्किलें आ जाती है उसमें हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हम इस दुनिया में रहते हैं बहुत सारे चीज कनेक्ट करके रहना पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर एक एहसास तो आता है कि हाँ हम तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें एहसास कराता है, परमेश्वर का वचन हमें एहसास कराता है, इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कितने बार इंकरेज करता है, तो अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद कर, अपने तारनहार को याद कर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने तेरी धर्मी हाथों से तुझे संभाले रहूंगा, तुझे रचने वाला मैं हूँ, तुझे बनाने वाला मैं हूँ, अपने माँ के गर्भ से रचने वाला मैं हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ऐसा महान परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, इसलिए आप कभी भी निराश ना हो, कभी भी हताश ना हो, कभी भी परेशान ना हो, आप परमेश्वर के पास जाए, वो हमारी हमेशा दुआओं को सुनता है, वो कभी उठता नहीं, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, हम कभी भी उसके पास जाते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता, हमको लगता है कि हाँ इसने मैं दे दिया इसलिए मेरा काम चल गया, हम जब संकट में होते हैं तो कुछ हमें हेल्प मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ वो भाई ने दिया इसलिए मेरा काम चल गया, लेकिन उस भाई के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, उसके मन में परमेश्वर कार्य करता है, जाके उसको मदद कर, डायरेक्ट परमेश्वर ऊपर से तो हमारे नीड्स को पूरा नहीं करेगा, किसी ने किसी के द्वारा परमेश्वर हमारे नीड्स को पूरा करता है, इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा होना चाहिए, ना कि हम संसारिक बातों में उलझाया जाए, संसारिक एक हमारे इधर गुजरात में कल्चर है कि हाथी, जो हाथी होता है उसको पकड़ने, जंगली हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं लोग कि जमीन के नीचे गड्ढा करके ऊपर छोटा सा जाली लगा के उसपे, उसके ऊपर एकदम घास, एकदम हरा हरा घास लगाते, हरियो हरियो घास लगाई देते, जैसे हाथी आऊ तल खिस जान्छ, तल गिरी जान्छ, ऐसे ही शैतान हमें फंसाने के लिए बहुत सारी युक्तियां करता है, यदि हम वचन में मजबूत नहीं है, यदि वचन को हम इतना लाइटली ले रहे हैं तो शैतान कभी भी हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को तहस नहस कर सकता, फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे थे तो भी नहीं हुआ, और हम अपने हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन में हम पे बने हैं, उसके वचन में रात दिन हम मनन करते हैं तो हम कभी नहीं घबराते, हमारे अंदर एक एहसास होता है कि हमारा रचने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, इस आकाश और इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, ये चीज क्या है, कुछ नहीं कर सकती है, यदि परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता है, तेरा दुश्मन कौन हो सकता है, व्यवस्थावरण उसका 28 चैप्टर आप पढ़ोगे उसके आगे लिखा हुआ है, यदि तू परमेश्वर के बातों को सुनता है तो उसके जानता है कि वो तेरा तारनहार है, वो तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो तू जाके भी जाएगा, जिसमें भी तू हाथ रखेगा वो आशीषित होगा, तेरे को मारने के लिए सत्तूर तो आएंगे एक रास्ते से आएंगे, लेकिन चार रास्ते से, सात रास्ते से भाग जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन। तो इसलिए परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होना चाहिए, इस समय ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक, नेपाल में तो बहुत सारे टिकटॉक बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, उसको देखने में हम काफी समय गवा देते हैं, कितना समय हम बर्बाद करते थे, उस समय को हम एक अच्छी तरह से यूज करें, परमेश्वर ने हमें उस समय को दिया है, उस समय को हम अच्छी तरह से यूज करें, उस समय को यूज करने के वजह से शायद हमारे द्वारा किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी को परमेश्वर का वचन मिल सकता है, जितना समय हम इस चीज में गवाते हैं उस समय में हम परमेश्वर का वचन को पढ़े, उसकी आराधना करें, तो इसलिए हम प्रिय भाई और बहनों इस समय बहुत कठिन है, उसमें हम परमेश्वर को याद करें, उसके पास आए, कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है,
लेकिन हम परमेश्वर के पास आए हैं क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, वो सब कुछ जानता है। हम संकट में है जानता है, हम परेशानी में है वो जानता है, हम क्या करते हैं सब कुछ जानता है। मेरे बोलने से पहले वो जानता है कि अब मैं क्या बोलने वाला। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के वचन में बने रहे, उस भूसी के समान ना बने जिसके अंदर बीज नहीं है। परमेश्वर ने हमें रखा है बहते हुए नाली के किनारे, लगाए हुए पेड़ के समान है जो हमेशा फ्रूटफुल होता है, हमेशा हम एक उछाला, एक मतलब चमक होते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर के वचन ने लिखे कुछ है भजन संहिता में कि जो परमेश्वर पर भरोसा करनु दर्शन वो एटा नाली को लगाए को पेड़ को समान हो तो हमेशा फल दिन। हम परमेश्वर ने हमें नाली के किनारे लगाया हुआ है ताकि हम फ्रूटफुल करें, लोगों के लिए आशीषित करें, लोगों के लिए डिस्प्रेशन नहीं, मतलब लोगों के लिए हाँ भाई वो ऐसा नहीं करता चर्च में और तो नहीं उससे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। हम उठाए चर्च को, कलीसिया को उठाए, जो कमजोर है उसको उठाए, उसको इंकरेज करे परमेश्वर के वचन से। यदि वो नहीं मानता है तो उसके बार बार जाए, एक पेड़ को लगाते हैं तो उसको बार बार पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। तो इसलिए हमारे कलीसिया में जो है, बाकी ये कलीसिया में मैं गया था वहां पे यूथ का कोई भी कनेक्ट वो नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे तकलीफें होती है, वो एग्जांपल सेट नहीं होता है। इसलिए हम एक यूनिटी बने, जो कमजोर है उनको उठाए, इंकरेज करें परमेश्वर का वचन से, उनसे बातचीत करें। जिनको नहीं आता उनको ऐसा बोल के नहीं छोड़ते, नहीं तेरे को नहीं आता भाई तला तला किया देना तो क्या करना सक्सेस। उनको सिखाए, उनको भी परमेश्वर ने रचा है, हम सब एक है, हम सब एक है, तो वो भी हमारे ही है। तो ऐसा इंकरेज करे कलेशिया में और हमारे समय को सही तरीके से यूज करें और हम परमेश्वर के वचन को हमेशा हमारे अंदर रखें, क्योंकि प्रोवर्ब्स उसका थर्ड में लिखा है कि मेरे आज्ञा को तू क्या करना, अपने हृदय के पटियाला में लिख के रख, लिख के रखना। आमेन। शायद बहुत टाइम हो गया, ओके ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। हम तो इस शहर में रहते हैं, हमारे इतना डिफिकल्टीज नहीं है, हमारे इतना साधन है, सुविधा में रह के सेवा करते हैं, लेकिन आप लोग उस पहाड़ी विस्तार में सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। परमेश्वर आपके परिश्रम को बहुत आशीष देगा। आमेन। परमेश्वर स्वर्ग में बहुत बड़ी आशीष देगा। आमेन। आप प्रभु में बढ़ते जाए, लोगों को एनकरेज करते जाए, उसके सुसमाचार को बढ़ाते जाए। आमेन। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। तिमी बाट एक पल पनि टाडा मलाई जान न देऊ, तिमी बाट एक पल पनि टाडा मलाई शून्य शून्य लाग्छ, यीशु तिम्रो प्रेम बिना यो संसार। मलाई जान न देऊ तिमी बाट एक पल पनि टाडा।